दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम इस वक्त मौजूद हूं और तमाम जो चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर महारैली में जो उनके समर्थक आए हुए उनसे हम बातचीत करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा वाला मामला उसको लेकर ये विरोध यहां पर कर रहे हैं। कहां से आए हैं आप लोग? देखिए, हम 29 विधानसभा कुंदर की मुरादाबाद वहाँ से आए, जहाँ उपचुनाव की तैयारी है। हाजी चांद बाबू साहब वहाँ से संभावित प्रत्याशी है, जो अपनी 40 बसें और 100 गाड़ियों के साथ पूरे काफिले के साथ यहाँ मुस्लिम चेहरा है। 40 बसें और 100 गाड़ियों के साथ पूरा काफिला यहाँ तैयार है उनका, और पूरे तन मन धन से सब लोग यहाँ तैयार हैं। अच्छा, तो क्या मसला, क्या मतलब विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये जो बिल पास किया है उन्होंने, ये हमारे सबके खिलाफ है, दलित और मुस्लिम के खिलाफ है। अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली से जाने वाले नहीं है। दिल्ली से जाएंगे? दिल्ली से नहीं जाएंगे। अभी तो ये बहुत छोटा स्टेडियम हमने घेरा है, इससे बड़ा स्टेडियम घेरने का प्लान अब हमारा है। अच्छा, हाँ, आप क्या कहेंगे? आप सवाल पूछिए, जवाब दूंगा। भाई, ये जो आप विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कारण है? ये कारण ये है, ये आरक्षण को लेकर इन्हें क्रिमिनल लागू किया है। अगर ये क्रिमिनल लागू कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल लागू कब होगा? क्या रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा? बताइए, इस देश में ये देश लोकतंत्र से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? अगर आप दलितों के हित से ही हो